हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा टिकटॉक अकाउंट जो है फ्रीज है या फिर अनफ्रीज है। टिकटॉक पर यहाँ पे 80 से 90% व्यक्ति ऐसे हैं जो मेहनत किए जा रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं अभी तक हमारा टिकटॉक अकाउंट फ्रीज है या फिर अनफ्रीज है, क्योंकि फाइनली मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है फ्रीज हो चुका है। तो यदि हम अपने टिकटॉक आईडी पे वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टिकटॉक पे तो हमारा एक भी वीडियो फॉर यू पेज में नहीं जाता है और वहाँ पे हमारे लाइक्स एंड व्यू जो पहले जो हमारा आ जाता था व्यूज पे 100-150, लेकिन यहाँ पे 4-5 कुछ इस तरह से आ रहा है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारा टिकटॉक अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, हुआ है तो उसे अनफ्रीज कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हमारा टिकटॉक अकाउंट फ्रीज है या फिर अनफ्रीज है कैसे पता लगा सकते हैं। तो उनको वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आपको समझ में आएंगे। यदि आप यहाँ पे वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को गलती नहीं करना है, यदि आप करेंगे तो आपका भी टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा हमारा टिकटॉक अकाउंट कब फ्रीज हुआ है। और आप लोग मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपके वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज आएंगे नहीं। आप लोगों का जो भी ड्रीम है वो ड्रीम पूरा नहीं होगा। ये वीडियो लास्ट तक ध्यान से देख लेना। अधिकतर टिकटॉक यूजर गलती करते हैं और जिसके कारण उनका टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नंबर 1 मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, किसी भी टिकटॉक यूजर का वीडियो अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग के टिकटॉक वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज नहीं आता है, इसलिए हम ये गलती कर बैठते हैं। सेकेंड नंबर, आप लोग वो टिकटॉक पे रेगुलर वीडियो अपलोड करना है। ऐसा कि नहीं कि 10 दिन मैंने वीडियो अपलोड किया इसके बाद 4 से 5 दिन बीच में गैप कर दिया, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके टिकटॉक अकाउंट जो है फ्रीज हो सकता है। थर्ड नंबर, टिकटॉक पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करना है। कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है आपको नहीं पता, तो सिंपल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, मी पे जाना है, प्राइवेसी एंड सेफ्टी पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस का। यहाँ से जाके आप रीड कर सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस को क्या क्या है, वहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी ब्रेक करेंगे तो आपका टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आपके वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज ज़्यादा नहीं आएंगे। फोर्थ नंबर, हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हम टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं तो हम लोग अपने वीडियो को खुद से देखने लगते हैं, इससे हम लोग सोचते हैं हमारे वीडियो पे व्यूज बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा यदि आप खुद के वीडियो खुद से वॉच करेंगे आपके टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। और 5 नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझना। क्या होता है जब हम टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं हमारे वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज नहीं आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं लाइक्स एंड फॉलोवर बढ़ाने के लिए। बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा करते हैं तो आपका टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। 5 कारण से टिकटॉक अकाउंट फ्रीज होता है और फाइनली मेरा भी टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। क्या कारण था जो हमारा टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो गया है और लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। हमने क्या गलती किया था, हमने कुछ दिन पहले जो टिकटॉक पे वीडियो जो था मैं अपलोड नहीं कर रहा था, यानी कि 10 से 12 दिन मैं लगातार वीडियो अपलोड नहीं किया था, बीच में गैप कर दिया। इसके बाद मैं लगातार 5 से 7 दिन वीडियो अपलोड किया तो हमारा एक भी वीडियो फॉर यू पेज में नहीं जा रहा है। हमारे वीडियो पे 500-700 व्यूज आ जाते थे, यहाँ पे हमारा 50-60 व्यूज कुछ इस तरह से आ रहे हैं। चलो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ कैसे आप पता लगा सकते हैं टिकटॉक अकाउंट आपका फ्रीज है या फिर अनफ्रीज है। तो सिंपल आपको करना क्या है, टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है, इसके बाद मी पे क्लिक करना है, इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटेंट पे। कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी वीडियो अपलोड किए होंगे सारा वीडियो आपको शो कर देंगे। तो सबसे पहले आपको 20 से 30 वीडियो आपको अपलोड कर देना है। 20 से 30 वीडियो जब अपलोड करेंगे तो 24 से 48 घंटे बाद आप किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका वीडियो जो है कितने परसेंट फॉर यू पेज में जा रहा है, कितने परसेंट आपका पर्सनल प्रोफाइल देखकर लाइक कर रहा है और कितने परसेंट आपका फॉलोअर्स लाइक्स कर रहा है। यदि आपके वीडियो पे वहाँ पे आपको फॉर यू पेज का सेक्शन नहीं आता है तो आपको लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। यदि आपको यहाँ पे फॉर यू पेज दिखा रहा है और यानी कि 40 से 50% भी आपका वीडियो फॉर यू पेज में जाता है तो आपका टिकटॉक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। यही एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका टिकटॉक अकाउंट फ्रीज है या फिर अनफ्रीज है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।